पीडीएम का सरबराही इजलास 4 फरवरी को तल्ब। इजलास में सेनेट इंतखाबात मुश्तरिका तौर पर लड़ने पर मशावरत होगी। वजीर आजम स्पीकर असम्बली और वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर भी मशावरत होगी। लाहौर के इलाके काहिना में सरकारी स्कूल के क्वार्टर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ और बेटा जाँ बहक, वालिद और 3 बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और खैसोर में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हिलाक दहशतगर्दों में कमांडर रहीम और सैफुल्ला नूर भी शामिल। रहीम 2007 से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पर 17 हमलों में मुलव्वस रहा। वाना और मीर अली में 2 खुदकश मराकज का इंचार्ज था। सवाद, कोहिस्तान, मानसहरा, मुजफ्फराबाद में जलजिले के झटके। जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और सुलमान अली पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट के लिए फाइनल 11 का फैसला कप्तान और हेड कोच बाहमी मशावरत से करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट कल से शुरू होगा। सख्त सर्दी में K2 की महमजोई का दूसरा मरला जारी। 3 रुकनी कोह पैमानी टीम कैंप 3 पहुंच गई। महम में शामिल पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सदपारा ने K2 के रात के दिलफरेब मनाजर की वीडियो भी शेयर कर दी। अयूबिया में सियाहों की सैर व तफरी जारी। मौसम का लुत्फ उठाया, चेयर लिफ्ट के भी मजे लिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें zornews.tv। देखते रहें ज़ोर न्यूज़।